Hello friends, welcome here. Let's see today's problem. Solve for the current flowing through the 8 ohm resistor in given figure. So let's assume 8 ohm में से I1 current flow हो रहा है, तो हमें I1 calculate करना। तो चलिए remaining branches में भी current indicate कर लेते हैं। तो ये इसको I2 बोलते हैं और इसको I3 बोल देते हैं। तो I3 यहाँ से flow हो जाएगा, यहाँ पर आएगा I3, I2 यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर जाएगा I2, यहाँ पर आएगा I2, I1 यहाँ से जा रहा है तो I1 यहाँ पर आएगा। तो I इक्वल टू होता है V/R ओम्स लॉ। सो I1 हो जाएगा, यहाँ पर हम V1 अज्यूम कर लेते हैं। सो V1 प्लस माइनस V1, तो V1/R, तो V1/8। तो I कैलकुलेट करने के लिए हमें V1 चाहिए, तो लेट्स कैलकुलेट V1। सो V1 कैलकुलेट करने के लिए हम नोड एनालिसिस अप्लाई करेंगे। नोड एनालिसिस कॉम्बिनेशन होता है KCL एंड ओम्स लॉ। KCL अप्लाई होता है एट अ नोड, और हमें KCL से क्या मिलता है, नोड वोल्टेज। सो यहाँ पर नोड वोल्टेज क्या है, V1 है। नोड एनालिसिस से V1 की वैल्यू मिलेंगी। तो चलिए V1 पर KCL लगाते हैं। सो यहाँ पर देखिए सभी करंट आउटगोइंग है, तो हम आउटगोइंग के लिए पॉजिटिव कंसीडर करेंगे साइन। KCL अप्लाई करेंगे यहाँ पर V1 पर, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज करके इस करंट को V/R के टर्म में लिखते हैं। सो I1 है हमारे पास V1/8, I2 है हमारे पास V1-5/2, और I3 है हमारे पास V1+3/4। सो V1/8 प्लस V1-5/2 प्लस V1+3/4 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा नोड एनालिसिस। KCL प्लस ओम्स लॉ गिव्स नोड एनालिसिस। यहाँ पर देख सकते हो 8, 2 और 4 का LCM हो जाएगा 8, तो V1 प्लस यहाँ पर 4 आ जाएगा V1-5 प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा V1+3 इक्वल टू 0। तो V1+4 V1-5 प्लस 2 V1+3 इक्वल टू 0। 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0। सो V1 प्लस 4V1 माइनस 20 प्लस 2V1 प्लस 6 इक्वल टू 0। 1V1 प्लस 4V1 प्लस 2V1 7V1 माइनस 14 इक्वल टू 0। सो V1 हो जाएगा 14/7 इक्वल टू 2 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। सो I1 की वैल्यू थी V1/8, तो I1 इक्वल टू V1/8 इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 0.25 एम्पियर। तो इस तरह से हमारी I1 की वैल्यू आ जाएंगी 0.25 एम्पियर्स। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 0.25 एम्पियर। So I hope you have understood how to deal with such type of question. Thank you. See you in the next video. Till then, goodbye and take care.